मेरा नाम सोनम जायसवाल है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बायोडायरेक्शनल काउंटर कम एनर्जी सेवर। इसके ये मेन फीचर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव फिजिकल लेबर, सेव टाइम एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपत्ति का व्यवस्थापन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे चल के हमें पानी की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारी एक ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी का बहुत सारा पार्ट यूज़ में लाया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं तो सीधे सीधे हम पानी को यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं। इसे बायोडायरेक्शनल काउंटर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पर एट ए टाइम टू काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर टू गेट्स है, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। यहाँ पर हमने IR सेंसर का यूज़ किया है। IR सेंसर में हमने IR LED और डिटेक्टर का यूज़ किया है। LED लाइट इमिट करता है, डिटेक्टर उसे सेंस करता है। इस प्रोसेस में अगर रुकावट आती है तो वो पल्स काउंट होकर डिस्प्ले पे शो करता है। अगर यहाँ जैसे कि यहाँ से कोई पर्सन अंदर एंटर आता है तो इस तरीके से वो पल्स काउंट होकर डिस्प्ले पे शो करता है। यहाँ पर हम टेम्परेचर भी शो कर रहे हैं। टेम्परेचर शो करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर का यूज़ किया है, LM35। जैसे कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेडिएशंस कम होता है, जिससे करंट फ्लो होता है और फैन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। नॉर्मली रूम का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होता है, तो हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब वो 40 डिग्री क्रॉस करता है तो फ़ैन की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए हमने फ़ैन को 40 डिग्री पे सेट करके रखा है। जैसे ही टेम्परेचर 40 क्रॉस करेगा फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये रूम की लाइट के इंटेंसिटी के अनुसार नंबर ऑफ लाइट्स ऑन करता है। जैसे कि यहाँ पर अभी सफिशियंट लाइट है इसलिए लाइट्स ऑन नहीं हुए, बट जैसे ही हम LDR को ढकते तो लाइट्स ऑन होंगे। जैसे कि हम LDR को हल्का सा ढकते तो एक लाइट, और ढकेंगे 2 लाइट्स। अगर पूरी तरीके से ढकते हैं यानी कि पूरी तरीके से रूम में अंधेरा हो जाता है, रात का समय हो जाता है, तो लाइट्स ऑन हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लाइब्रेरीज में, सेमिनार्स रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में, थिएटर्स में, हमारे कॉलेजेस में जैसे एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे पार्टीशन डाला जाता है पेंडोल डाल के, और एक एक लाइट दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रात से लेके मॉर्निंग तक वो लाइट्स ऑन रहते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। लाइब्रेरी में भी हम जाते हैं और लाइट और फैन ऑन तो करते हैं, बट हम जब रिटर्न वापस जाते हैं तो लाइट और फैन ऑफ नहीं करते, इससे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी मात्रा में वेस्ट हो रही है। अगर हम ये प्रोजेक्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे मोदी जी का भी कहना है कि मेक इंडिया डिजिटल इंडिया, तो ये एक हमारा एक कदम डिजिटल इंडिया की तरफ भी है। लेकिन सर ये जो प्रोजेक्ट है वर्क तभी करेगा जब रूम में कोई पर्सन होगा। अगर हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इस तरीके से।